Thank you.
रस्ते में तुम खा रहे हो, रास्ता तुम्हारा बाप कहा रस्ते को खा रहे हो? रास्ता हमारे बाप के रास्ता तो हमने कहो की चल रास्ते पर छोड़ो। ये रास्ता मैं रोज मुबहरा करती हूँ, चलो हजार से बकतुंदरी मारने क्या है? हमें कह दे भूख है लागो। हट कर रहा। ठीक है खा लो। सुन इन्ने सुन, कौन जाए चाहे कौन जाए, हमरा छुई है आर्म है। हट कर उन्हें रहना, हट कर दिया। हमें कह दे कल कर मार डाले। ये मेरा स्तर देख ला हूँ कौन नहीं तो हरो सूझ गए क्या छू डाली गए देखो ये छू डाल के छुए ने भाग लेंगे। ये क्या चीज है? ये चूड़ा है क्या? चूड़ा चूड़ा है। हाँ, अच्छा मिथिला धाम का चूड़ा छिके चूड़ा। हाँ हाँ, चल यहाँ से हट के खाओ तुम। ना ना क्या बोल, यहाँ खाओगे? हाँ तुझको लगेगा। तेरा जो है टुकड़ी मारने है ठगा। सुनो आज के दिन नहीं मार रहे थे ना, आज बृहस्पत है। अच्छा बृहस्पत का नहीं मारे हैं मरदावा के। ये लोटा तोड़ की मोर बहुत बढ़िया। हमारे खाए ले छू दे ले हाँ। कौन जात छे कौन जात नहीं, या खाना जे छू दे ले कहीं छू या न भाग ले ते कौन जात छे? बहुत बढ़िया जात। कौन जात ये दो में बाप रे। ए क्या हुआ? छू दे ले तू दो में भाग ना छू आ गेले। हट कर। हां ए कोई हद नहीं है, दो मिनट से नहीं छुए, कोई देखलो के नहीं जात भाई दे चोर हट मत। अब सुनता था की लोटा तोड़ की मोर, लोटा तोड़ की मोर है हम मोर तो कहियो तो हर का ठीक या प्याजी ये चलुक तो दे के का हुआ का लोटा तोड़ की मोर की कहियो कहो ये तुम्हारा है कहियो तो। हां आगे सुनो हे इलोटा तो सुनो इलोटा तो हां ई सरियो तो हां अहम हूं तो देखला पक्षुगिरी के छकलिए जी ना हम तो पात लेके आवत रहली पार सदन जनक दरबार तेरा हम का पाती लेके अब बाप रे आगे बढ़ो। पत्र ले लिया, पत्र देखो बंदर पत्र छिनबो दिया है। जा पते नहीं चले। हाय हाय पत्र हम तो पाती लेके आवत रहली पार के जनक दरबार तेरा हम तो पाती लेके आवत रहली पार से जनक दरबार से साजू हाथी घोड़ा अब तक तने में चल रहा छोरा साजू
साधु साधु हाथी घोड़ा समा थोड़ा साधु उतर रहा गई है दशरथ जी के लाल से जनक दरबार से पहुँचे दूत रामपुर पावन नगर बिलो की सुहावन जब तक रहे पृथ्वी तब तक रहे आकाश महाराज की कीर्ति भी गए प्रकाश सावश्य मेरे वफादार दरबार है तुम बरकरार रहो तुम्हारी हिम्मत और ताकत से मेरी बड़ाई है तुम्हारे ही वफाओं का मुझ में शान आई है ऋषि ब्राह्मण के सेवा का यही फल हाथ आया है प्रजा की मेहरबानी से हमने यह ताज पाया है कहिए मंत्री जी क्या समाचार है महाराज जनकपुर से एक दूत आया है और जनक महाराज का साथ में पत्र भी लाया है महाराज उन्हें आदर पूर्वक ले आइए जैसी आ गया महाराज जैसी आ गया ए, ए ठाकुर जी महाराज आज्ञा दे दिए हैं मिल गए आप दरबारी पोशाक लगाइए और दरबार में चलिए हे माली जब तक हम दरबारी पोशाक लगाबे ना तब तक अहाँ टकबे ना लगाओ जल्द लगाओ जल्द लगा लेना ठीक है क्या हुआ ओ ठीक है जल्द लगाओ जल्द लगाओ चलो हो गया काली मुरठा हमर टोका है अहाँ टकबे बस फूल जाएंगे टकियो ना जल्द लगाओ चलो तैयारी हो गया ना क्या तू अरे क्या हो गया ओ फूल गया
अच्छा आप नहीं ठोकेगा, जल्द लगा। चलो हो गया तो चलो, हाँ चलो। अरे प्रणाम तिन पाते दिन मदित महेश आप उठ लेने प्रभु, पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, फिर पत्र मेरे भूख का स्वीकार कीजिए। कौन मैकने? वो मैकने में से आवा मधुर मनोहर वचन भेज रहा हूँ निमंत्रण प्रिय वर्त तुझे बुलाने को। ए मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। यद्यपि होंगे कष्ट अधिक इस दीन कुटी पे आने को, परंतु बनेंगे हम प्रभागी दरस आपके पाने। आपके दुलारे श्री राम लखन प्यारे मुनि कौशिक मत रखवारे, जिन्होंने तारुका संभारे हैं पुने वहां ते पधारे। मग अहिल्या सात तारे मम नगर को पधारे, शिव चाप खंड कर डारे हैं परशुराम हारे। कर विनय बन सिधारे गौतमे तुम्हारे, मानो चंद उजियारे हैं करात सजकारे। मम नगर को पधारे से राम को व्याहे रही अरज हमारे, आओ भैया दूत मेरे समक्ष बैठो। भैया कहो कुशल दो पारे तुम निहारे। भैया दूत तुम वहां का कुशल कहो, क्या तुम अपनी आंखों से दोनों भाइयों को अवलोकन किए हो, देखे हो? बताओ उनका स्वभाव कैसा है? एक भाई श्याम वर्ण के हैं, दूसरे भाई गौर वर्ण के हैं, हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए मुनि विश्वामित्र जी के साथ गए हैं। जब से वह गए हैं आज ही मैं तुमसे सच्ची सुधि को पाया हूँ। यदि तुम उन्हें पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो, वह किस प्रकार के हैं? सुनाओ महे पत मुकुट मने तुम समधान न को, राम लखन बिनते तने विभूषण दो। हे महाराज आप तो राजाओं में मनियों के समान हैं, जिनका के पुत्र राम लक्ष्मण तेजस्वी हैं। हे महाराज ये बतलाइए कि आप मुझसे कह रहे हैं कि सखा ये बतला, क्या तुम मेरे दोनों राजकुमार को जानते हो? महाराज क्या सूर्य के सामने कोई दीपक लेके जा सकता है? हे महाराज सीता जी का स्वयंवर हुआ जिसमें देश देश के राजे सब आए, यहाँ तक कि रावण और बाणासुर आए, लेकिन तिल मत पृथ्वी पर हिला और डोला न सके। उस जगह आपके बड़े पुत्र राम उस धनुष को कैसे खंडन किए जैसे एक मत वाला हाथी कमल कंटी को तोड़ देते हैं। हे महाराज धनुष टूटने की आवाज सुनकर वह परशुराम जी महेंद्रगिर पर्वत पर रहने वाले वह यहाँ पर आए। आने के बाद अपने काम धाम आपके पुत्र पर दिखलाए। हे महाराज लेकिन उनका एक भी न चल पाया, अपने कर के धनुष निकाल कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में रख दिए और फिर पुनः चले गए तपस्या करने के लिए। हे महाराज जिस तरह आपके बड़े पुत्र तेजस्वी हैं, उसी प्रकार से आपके छोटे पुत्र भी तेजस्वी हैं। महाराज आप कह रहे हैं कि महाराज मिथिलेश उन्हें किस तरह से पहचाने कि ये चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं? हे महाराज महाराज तो सब पहचान गए और विश्वामित्र जी ने सब कथा बता दिए। अनुराग को निछावरी दिया जाए। महाराज क्यों आप कान बंद कर रहे हैं? निछावरी नहीं चाहिए, ये अनीति है। क्यों? ये अनीति, हम जिस देश में कन्या देते हैं वहाँ का अंचल भी ग्रहण नहीं करते हैं और ये पुरस्कार लेना क्या बात है? महाराज वाह, जहाँ के दूत ऐसे हैं
वहाँ के राजा किस प्रकार के होंगे। तब उठे खूब प्रसिद्ध दिन पत्र का जाए कथा सुनाए गुरु दबाओ सादर दूत बुलाए। चलो गुरुदेव स्वामी के समक्ष पधारो। चला जा राम रमैया गाए जा राम शलगन लगाए जा राम रमैया गाए जा राजन आपका सर्वदा कल्याण हो सदा जय जयकार हो। राजन आज आपको बहुत प्रसन्न देख रहा हूँ, इस प्रसन्नता का कारण क्या है? गुरुदेव अभी श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुर में हैं और राजा जनक की यह प्रतिज्ञा थी जो वीर योद्धा श्री शंकर भगवान के पिना को दो खंडन करेंगे उसके साथ वह अपनी पुत्री सीता की शादी करेंगे। गुरुदेव आपकी चरण की कृपा से प्यारे राम श्री शंकर भगवान के पिना को दो खंडन किए हैं। राजा जनक पत्र भेजकर हम सबों को बराती साजकर बुलावा भेजे हैं। बोले गुरु अति सुख पाए पुण्य पुरुष कहो महे सुख छाए। राजन जो पुण्यवान पुरुष होते हैं उनके यहाँ सुख और संपत्ति जो है वो बिना बुलाए ही आ जाया करती है। किस प्रकार से? तो जैसे छोटी छोटी नदियाँ जो है वो बड़े सागर में जाकर मिलना चाहती है, यद्यपि उसकी ये इच्छा नहीं है कि ये छोटी नदियाँ हमें आकर मिले, फिर भी वो उसमें जाकर मिल जाती है। राजन जिस प्रकार से पृथ्वी गौ ब्राह्मण की सेवा आपने किया है उसी प्रकार से धर्मात्मा आपके पत्नी कौशल्या जो है वो भी धर्मात्मा वो भी बड़े महात्मा संत इन सबों की सेवा की है। अब आप देर ना करें, जितना जल्द हो बाराती की तैयारी करें और अतिशीघ्र यहाँ से चलकर राम सीता का विवाह जो है वो रचाया जाए और वहां से वरवधु को लाया जाए। जैसी आज्ञा। राजा सब रनिवास बुलाए जनक पत्र का बात सुनाए। महारानी कौशल्या के कहे सुमित्रा आप सभी यहाँ पधारे। प्रिय अभी श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुर में हैं। राजा जनक की यह प्रतिज्ञा थी जो भी अयोध्या पिना को दो खंडन करेंगे उनके साथ वह अपनी पुत्री सीता की शादी करेंगे। प्यारे राम श्री शंकर भगवान के धनुष को दो खंड किए हैं। राजा जनक हम सबों को बराती साजकर बुलावा भेजे हैं। आप सब कुल देवी देवता ग्राम देवी देवता का पूजन करें, मांगलिक गीत गाएं और बराती की तैयारी करें। आज भला मेरी बड़ी मैं बारी बारी साजना सुरगी
बाराती की तैयारी हो चुकी है। यदि आपका आदेश हो तो बाराती जनकपुर के लिए प्रयाण किया जाए। क्यों नहीं, आप सत्यदाता गणेश का नाम लें और आगे की ओर बढ़ें। बोलिए सत्यदाता गणेश की जय। चला जाए, चला जाए। तो है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत खूब, आइए बैठिए सब लोग। तू साड़ी पहन ला। हाय चला, ए हमरा लाज लगे। अरे नहीं लाज, अरे मजाक करे के नहीं, तो को सब हाथ में नहीं पहनना है। चला दोनों बोले वाला से साड़ी पहन ले। हां पहन ले, पहन ले, पहन ले। चिट्ठी प्रेम सफल से चिट्ठी लिखता रे। चिट्ठी लिखता नहीं एक ना। अरे जल्दी करो, जल्दी कर, अरे लेट हो रहा है ये। चिट्ठी नहीं अकेला, चिट्ठी लिखता नहीं अकेला, केदार बुझिया ऊपर पीठ मानी नीचे। ए भाई लला, सुना सुना, इस साड़ी पहन ला। ले लो बा, देखा तो पहले, है चली पहले। अरे क्या हला जाना का निर्पा, क्या हला जाना का निर्पा, ना वो लड़का मार चालू देखी अलहेदा। Thank you.